नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को प्रतिक्रियावादी करार देते हुए उसे सभी अस्त्रों पर विफल बताया, साथ ही कुंभकर्णी नींद से जागने को कहा। ये सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है, मुख्यमंत्री भी नहीं निकल रहे, हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि आप निकलिए, आपके पास हेलीकॉप्टर है, आप जो है जायजा ले सकते हैं बाढ़ का हेलीकॉप्टर से, और आपके ना कोई प्रभारी मंत्री नजर आ रहे हैं, कोई मंत्री नहीं, कोई अधिकारी नहीं, सब जो है सरकार सोई हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार का लगता है कि उनको जो है लोगों की जान की चिंता नहीं है, बाढ़ की चिंता नहीं है, कोरोना की चिंता नहीं है, सरकार पूरी तरीके से जो है चुनाव की तैयारी कर रही है। आप 7 तारीख को आइएगा, भाषण दीजिएगा, लेकिन लोगों को राशन चाहिए, आपके पास हेलीकॉप्टर है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप जाइए प्रभावित इलाकों को देखिए, बेशक आपके पास हेलीकॉप्टर है उससे जायजा लीजिए। कुल मिलाकर बाढ़ से उत्तर बिहार की भारी आबादी प्रभावित है, तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते पांव ने सरकार को निरुत्तर कर दिया है। बाढ़ और कोरोना दोनों फ्रंट पर सरकार को फेल कहा तेजस्वी ने। कि जो सरकार का जो सोच है वो सक्रियवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए, बल्कि सरकार की जो सोच है वो प्रतिक्रियावादी सोच है, और आप देखते हैं कि लगातार जो है तटबंध जो है टूट रहा है। आज जो है आपका चंपारण जो तटबंधन है वो भी टूट गया है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ महासेतुओं के जो अप्रोच रोड हैं वो टूट जा रहे हैं, वो कट जा रहे हैं, ये एक तरह से जो है भ्रष्टाचार का घर बना के रखा गया है। और सरकार को जब पता है कि इस महीने जो है पानी आएगा, तेज वर्षा होगी, वाटर लेवल हाई जाएगा, बाढ़ की स्थिति होगी, तो सरकार जो है पहले से ही प्रोएक्टिव होकर के इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का या हर एक चीज़ काम क्यों नहीं करती है। हमेशा ये क्यों होता है कि बाढ़ आती है, पुल पुलिया टूट जाता है, तटबंध जो है वो टूट जाता है, और फिर जो है सरकार कहती है कि हम इसकी मरम्मत कराएंगे, और फिर अगले साल जो है फिर टूट जाता है। इसलिए ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों का खाने का ठीक नहीं है, पीने का ठीक नहीं है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, रेस्क्यू के लिए कुछ नहीं कराया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब अपने घर से निकलिए, अब 125 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, अब आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से कम जो है आप जा करके स्थिति का जायजा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।